नमस्कार दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार इंडिया में हर 4 में से 9 लड़के सिंगल होने लग रहे, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां कहती है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो ऐसा क्यों होने लग रहा है? क्या इसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट जिम्मेदार है या फिर यह कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? क्यों देश का युवा आज भी आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर होने लग रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि ये गर्लफ्रेंड होती क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने हार्डवेयर की दुकान में काम करने वाले छोटू की माने तो गर्लफ्रेंड उम्मीद होने लग रही है कि मिलेगा, कभी तो भी मिलेगा, थोड़ा तो भी मिलेगा, ऊपर ऊपर से तो भी मिलेगा। अब बात करेंगे इसके इतिहास की। इतिहास में सबसे पहले किसे गर्लफ्रेंड मिली? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरे मामा ने मुझे भेजे फॉरवर्ड मैसेज के अनुसार 13वीं सदी के 12वीं में सबसे पहले अकबर निब्बा ने गर्लफ्रेंड बनाई क्वीन यानी रानी को। दोनों का रिश्ता पूरे 11 दिन तक चला। उसके बाद अकबर निब्बा की भी उम्मीद जागी और उसने कहा मुझे भी चाहिए, जिसके बाद क्वीन यानी रानी ने ईमेल करके कहा कि आएगे तो मोदी ही। और इसी के साथ अकबर निब्बा का भी कट गया और यहीं से कटने की प्रथा भी शुरू हुई। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही खराब है दोस्तों। जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी उनके पास वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, और जिनके पास उम्मीद थी लॉकडाउन के चलते वो भी किसी और के घर की उम्मीद होने लग रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अभी कितनों के पास गर्लफ्रेंड है? दोस्तों, बैकबेंचर्स की माने तो हर 30 में से 10 लड़कों की गर्लफ्रेंड होने लग रही है, जिसमें से 4 की गर्लफ्रेंड एंजल प्रिया होने लग रही है, 3 की गर्लफ्रेंड उनके हरामी दोस्त होने लग रहे, 2 की गर्लफ्रेंड को पता ही नहीं है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड होने लग रहा है, और 1 जो पापा का परा लकी होने लग रहा है उसे भी कोई आ जाएगा जल्दी जल्दी कर लो के चक्कर में ऊपर ऊपर से मिलने लग रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गर्लफ्रेंड बनाए या ना बनाए। दोस्तों, इस कठिन सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने पूरे भारत में से 2 लोगों पर सर्वे किया है, जिनके अनुसार अगर आप गर्लफ्रेंड बनाने लग रहे हो तो आपका दिमाग खराब होने लग रहा है, और अगर आप नहीं बनाने लग रहे हो तो आपका शरीर खराब होने लग रहा है। तो इस पर मेरा क्या टेक है? दोस्तों, अगर मेरी मां ने तो नेहा मुझसे पड़ जानी चाहिए, नहीं तो मैं मेरे हाथ की नस काटने लग रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने मिलने लग रहा होगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों